Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine and good. Today I am going to continue chapter number 10, pollution. And yesterday I have told you about types of pollution and air pollution. Yesterday we have started air pollution. So how many types of pollution? Air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. And noise pollution. So about air pollution, I have told you that when harmful gases get mixed in the air, this is called air pollution and the causes of it also. Okay, causes of air pollution are smoke from factories, smoke from vehicles, okay, volcanic eruption, sandstorm, forest fire and bursting of firecrackers and burning of garbage also, that is also included in air pollution. So these are major causes of air pollution. Today we will read about effects of air pollution and steps to control. आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक तो इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं इसके लिविंग थिंग पर, हमारे एटमोसफेयर पर और ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं एयर पोल्यूशन के. और सेकंड इसका पॉइंट है स्टेप्स टू कंट्रोल इट, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी. अगर एयर पॉल्यूटेड होगी बहुत ज़्यादा तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. इरिटेशन इन आईज, आईज में इरिटेशन हो सकती है, आईज में परेशानी हो सकती है. ओके, एंड हेडेक एंड स्किन एलर्जीज, स्किन में भी हमारी बॉडी, क्योंकि स्किन भी है वो एयर के टच में आती है, स्किन से रिलेटेड एलर्जीज हो सकती हैं और हमें हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है. तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा रहता है उस एरिया में. एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज फॉर एसिड रेन, अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है तो वहाँ एसिड रेन भी हो सकती है. रेन होती है, रेन में क्या है, एसिड्स की ड्रॉप होती हैं, वो एज अ रेनफॉल नीचे गिरती हैं और फिर जिन चीज़ों पर वो गिरेंगी उन्हें नुकसान पहुँचाएंगी. तो एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल गैसेस रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. ये बनता कैसे है एसिड रेन, जो एसिड है वो एटमोसफेयर में कैसे बनता है, जो बर्निंग, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको जलाने से, फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, और जब ये ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तब वो एज अ रेन वापस अर्थ पर आती है. इट कॉजेज डैमेज टू वाटर, अगर वो किसी वाटर बॉडी में एसिड रेन होगी तो वो उस वाटर को डैमेज करेगा, फॉरेस्ट को डैमेज कर सकते हैं, सॉइल को डैमेज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी क्या करती है, डैमेज करती है. डीफॉरेस्टेशन सेकेंड इसका जो इफेक्ट है वो है डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना. हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया है, जंगलों को काटा है, उन्हें क्लीन करके हमने वहाँ बिल्डिंग्स बनाई हैं, वहाँ पर रोड बनाए हैं, वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बनाए हैं, तो इज अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. ये भी एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है. अगर हम प्लांट्स और ट्रीज ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, हार्मफुल गैस होती है, उसे वो इनहेल करते हैं, मतलब टेक इन करते हैं प्लांट्स, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन हमने क्या किया, जो नेचुरल प्रोसेस था एयर पोल्यूशन को क्लीन करने का, हमने उसे भी क्लीन कर दिया, फॉरेस्ट को भी हमने क्लीन कर दिया. सो दी ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रीज टेक इन कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं उसके बदले में, ऑक्सीजन देते हैं एटमोसफेयर में. एंड ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, तो वो हमें किससे मिलती है, प्लांट से, ट्रीज से मिल जाती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे ट्रीज टेक इन करते हैं. अगर हमने, लेकिन हमने ट्रीज को ही काट दिया, हमने फॉरेस्ट को ही क्लीन कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीफॉरेस्टेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हॉट गैस है, अगर ये ज्यादा रहेगी एटमोसफेयर में तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. ओके, द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड इनटू द एयर. गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज,
और ऐसी गैसेस जिनकी वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। ग्रीन का मतलब ये समझ लेना कुछ ग्रीनरी है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हमारे अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना, इंक्रीज होना, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन गैसेस की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उन्हें क्या कहा जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। अभी एटमॉस्फेयर कैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ये सब को डिपेंड करता है किस पर? गैसेस पर डिपेंड करता है। हॉट गैसेस होंगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एंड दिस इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वार्म मतलब गर्म होना, कि पूरी अर्थ हमारी क्या हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी प्रोसेस को, अगर ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, जिसे पूरा वर्ल्ड आज के टाइम पर फेस कर रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है। Now, in the long run, global warming can cause a rise in sea level, flood and melting of polar ice caps and glaciers. अगर ये temperature ज़्यादा time तक ऐसा रहेगा तो हमारे जो glaciers हैं, हमारे north pole में, south pole में जो बर्फ जमा हुई है, वो melt होना start हो जाएगी। और जब melt होगी तो क्या होगा? जब melt होना start हो जाएगी तो सारे जो sea level हैं, वो सारे sea level uprise हो जाएंगे। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी अप्राइज हो जाएंगी, और यहाँ भी अर्थ को क्या कर लेंगी? वो कवर कर लेंगी। तो हमारी अर्थ को इससे क्या है? खतरा है इस चीज़ से। द पॉल्यूटेंट्स इन द एयर ऑल्सो हैव अ बैड इफेक्ट ऑन मॉन्यूमेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए, वो हमारी बिल्डिंग्स को, हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं, स्पेशली दोज मेड विद मार्बल, स्पेशली ऐसे बिल्डिंग्स को जो मार्बल से बनी होती हैं। कैसी बिल्डिंग्स को? जो स्पेशली मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। उसका एग्जांपल इंडिया में ताजमहल है। ताजमहल का रंग कैसा था? ताजमहल वाइट मार्बल से बनाया गया था, लेकिन अभी ये येल्लोइश हो रहा है। इसका कलर कैसा हो रहा है? येल्लोइश हो रहा है। आपको पता है ताजमहल को वीक में एक दिन क्लीन किया जाता है, एक दिन ऑफ रहता है ताजमहल। अगर जो लोग विजिट करने जाते हैं, वीक में एक दिन उसकी सफाई होती है, उसे क्लीन किया जाता है फिर से, क्योंकि वो येल्लोइश होता जा रहा है। उसकी जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी थी जो उसकी, वो ख़त्म होती जा रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से, पॉल्यूटेंट्स की वजह से। सो एन इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल्स हैज कॉज द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा टू बिकम येल्लोइश। जो ताजमहल हम जानते हैं कि आगरा में है, ये यमुना नदी है इसके आसपास, यमुना नदी के आसपास के बीच में बना हुआ है ताजमहल। तो यमुना नदी में अब जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? अपना सारा वेस्ट मटेरियल ये रिवर्स में, जो भी वाटर बॉडी नियर बाई होती है, उसमें रिलीज कर देती हैं। और उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? उस वाइट मार्बल की बिल्डिंग पर आ रहा है, जिसे हम ताजमहल कहते हैं, ठीक है। और वो येल्लोइश होती जा रही है, उसका कलर जो है वो येल्लो होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। नाउ स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, इसके लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिड्यूनो में कि दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली जो है वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो, ऑड इवन की गाड़ियाँ जो होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उन्हें परमिशन दी थी कि एक दिन तो ऑड नंबर वाले व्हीकल्स चलेंगे रोड पर, और एक दिन इवन नंबर वाले चलेंगे, ठीक है, जिससे थोड़ा पोल्यूशन को कम किया जा सके। वहाँ पे सीएनजी गैसेस से चलते हैं, सीएनजी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनसे व्हीकल्स चलाए गए, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम किया जाए। नाउ स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? देन एक जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं, एक तो इसे बिल्कुल शहर में ना लगाया जाए, ठीक है, और इन पे भी लिमिटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाए या एक्सेसिव सेटअप किया जाए, इनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। और इसे दूर लगाना चाहिए, जो एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसे काफ़ी दूर होने चाहिए। इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज मतलब गाँव में, द बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल,
लोग क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए कोयले का या फिर लकड़ियों का यूज़ करते हैं, तो उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है कोयला और लकड़ी, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली गांव में ऐसा ही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वुड का या फिर कोल का यूज़ करते हैं, उसे बर्न करते हैं, तो उसे हमें कम करना है। द पीपल कैन कारपूल टू स्कूल्स एंड ऑफिसेस। कारपूल का मतलब क्या होता है बेटा? कारपूल का मतलब होता है इकट्ठे जाना। जैसे मान लो आप स्कूल में आ रहे हो, तो स्कूल में एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक बच्चे को पेरेंट छोड़ने आ रहा है, दूसरा बच्चा अपना खुद का व्हीकल ला रहा है, दो बच्चे किसी और व्हीकल से आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है, हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। इससे बेटर है कि क्यों ना हम एक ही वैन लगाएं, एक ही बस लगाएं, उसी में सारे बच्चे आ जाएं, तो फॉसिल फ्यूल क्या होगा, फिर उससे कम यूज़ होगा। ओके, तो स्कूल्स के लिए, ऑफिसेस के लिए ऐसे, जैसे ऑफिस लोग जो लोग जाते हैं, सब लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जाना पसंद करते हैं, तो क्यों ना उनके लिए एक ही व्हीकल अवेलेबल कराया जाए जिससे फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम हो। दिस विल हेल्प टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। इससे क्या है, जो नंबर ऑफ कार्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं रोड पर, वो भी कम होंगे। इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाई डूइंग रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स। पॉल्यूशन चेक करना चाहिए हमें अपने व्हीकल्स का। पॉल्यूशन क्या है, कोई ज़्यादा पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन तो उसका भी हमें पेट्रोल पंप पर क्या होता है, उसका पॉल्यूशन का हमें चेक करवा सकते हैं हम लोग। तो वो अगर हमें ज़रूरत है अपने व्हीकल को रिपेयर करवाने की या उसकी सर्विस करवाने की, तो हमें करनी चाहिए। रीफॉरेस्टेशन, जैसे डीफॉरेस्टेशन है पेड़ों को काटना, ऐसे ही रीफॉरेस्टेशन है पेड़ों को फिर से लगाना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना ऐसे एरियाज में। ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। सबसे बेस्ट तो क्या है कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है। अगर ये हम करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो ट्रीज हैं वो अपने आप ही इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग द फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वर क्लियर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पार्ट्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। ये रीफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस है, ऐसे एरियाज को, ऐसे जंगलों को जिन्हें काट दिया गया था या तो खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या वहाँ पे कुछ भी बनाने, जो भी हमें अपने पर्पज़ के लिए हमने बनाया था, हमने उनको क्लीन कर दिया था, तो उन वहाँ पर दोबारा पेड़ लगाना वो कहलाएगा आपका रीफॉरेस्टेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके,